हरे कृष्णा, मैं अभिषेक, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे भारत की एक अनोखी जगह की कहानी, हम्पी, जो भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। हम्पी कर्नाटका का एक ऐसा शहर जो हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है, पर आज तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम्पी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। हम्पी का इतिहास साल हज़ार साल पुराना है, जिसमें कई रोचक घटनाएं छुपी हुई है। तो आज हम उसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे। हम्पी ये स्थल विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था जो 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी में बना था। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इस स्थल को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। हम्पी एक सुंदर और शक्तिशाली राजधानी थी जिसमें सांस्कृतिक और व्यवसायिक उन्नति थी। अब हम बात करते हैं हम्पी के इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में, बैटल ऑफ टेलीकोटा, टेलीकोटा का युद्ध। इस युद्ध ने हम्पी की तकदीर को बदल दिया। ये युद्ध 1565 में हुआ था, जब 5 मुस्लिम सल्तनत बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदार और बेरार ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष किया। विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजाओं का था जबकि सल्तनत मुस्लिम सुल्तानों के हवाले थी। इस युद्ध की मुख्य वजह थी धार्मिक असहिष्णुता और विजयनगर साम्राज्य की हो रही तरक्की, जो बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदार और बेरार इन मुस्लिम सल्तनतों से देखी नहीं गई, और इस कारण ये युद्ध और गहरा बनता गया। टेलीकोटा का ये युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसमें विजयनगर की सेना हार गई। ये हार हम्पी को एक अंधकार में ले गई और इसी के साथ हम्पी को लूटा गया। जिन लुटेरों ने विजयनगर साम्राज्य को लूटा वो खुद को सुल्तान कहते थे, और इसी से हमें समझ आता है कि ये इनकी पुरानी आदत है, लूटना और हमारी सनातन धरोहर पर घाव करना। इन बातों को कई साल बीत गए, पर आज भी हम्पी का महत्व कुछ अलग ही है। यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ अनोखे और प्राचीन मंदिर, महल और स्कल्पचर्स भी। विरूपक्षा मंदिर हम्पी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर लॉर्ड शिवा को समर्पित है और इसका इतिहास कुछ 7th सेंचुरी तक जाता है। इसी के साथ हम्पी का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है विजया विठला टेम्पल। ये मंदिर अपने आर्किटेक्चर और म्यूजिकल पिल्लर्स के लिए मशहूर है। ये देखने में सिंपल तो लगते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी कला और सौंदर्य को देखकर आप दंग रह जाओगे। अगर आप हम्पी विजिट करने के सोच रहे हैं तो माटंगा हिल का सनसेट ज़रूर देखिए। साथ ही हम्पी में घूमते वक्त आपको हम्पी बाज़ार का भी पता चलेगा, जहां आपको ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स और क्लोथ्स मिलेंगे। तो चलिए अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। हम्पी का एक दूसरा नाम भी है, किष्किंधा। कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी का जन्म हम्पी के अंजनेय पर्वत पर हुआ था, और कुछ लोगों के अनुसार हनुमान जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो अगर आप समझदार हैं तो इस मतभेद से दूर रहिए। हमारा काम है सनातन धर्म की धरोहर को संभाले रखना, बस हमें उसी पे ध्यान देना है। आज भी आपको हम्पी में सनातन धर्म की धरोहर देखने के लिए मिलेगी, जिनमें रामायण से जुड़ी कहानियाँ छुपी हुई है। ये जगह आपको एक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगी। मैं आप सब सनातनीय भाइयों से और बहनों से अपील करता हूँ कि एक बार हम्पी ज़रूर जाइए।
तो दोस्तों ये थी हम्पी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्णा।